मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास पर आज रात में एक भयानक हादसा हुआ है। ठाणे की तरफ से एक ट्रक सिलफाटा की तरफ जा रहा था और इस ट्रक की रफ्तार काफ़ी तेज थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी में कैद भी हो गया है। बताया जा रहा है कि चालक अपना नियंत्रण खो दिया था और ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया। गनीमत ये रही कि बिजली के खंभे से टकराने की वजह से ट्रक घरों पर नहीं गया, वरना कई लोगों की जान भी जा सकती थी। आपको बता दें कि मुमरा बाईपास पर जो स्ट्रीट लाइट लगी हैं वो बंद है, जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा रहता है और इसी वजह से हादसे होने की खबर भी सामने आती है। और जिस जगह पर ये ट्रक हादसा हुआ है वहाँ के स्थानीय लोगों की सुरक्षा दीवार उठाने की मांग काफ़ी दिनों से है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि आज हुए इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और सिर्फ इस हादसे में बिजली का खंभा और एक बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। क्या कहा है स्थानीय लोगों ने, सुनिए। नुकसान ये हुआ है कि मेरी बाइक पूरी चली गई भाई, ये 70,000 एकदम नई बाइक थी मेरी नई बाइक चली गई और ड्राइवर कूद के भाग गया वहाँ से। लाइट का सिस्टम ऐसा है यहाँ पर ना कि ड्राइवर लोगों को दिखता ही नहीं है। यहाँ का लाइट एक बार कट गया तो बस उसको 2-3 महीना लाइट बनाना नहीं, बस ब्रेकर के लिए हम लोग आज 5 साल से चिल्ला रहे कि वो ब्रेकर, लेकिन ब्रेकर के लिए कोई नेता यहाँ पे, कोई नगर सेवक, कोई नेता, कोई सारा तैयार नहीं हो रहा है। अब समझ लीजिए बात, कोई नेता नहीं तैयार हो, बहुत परेशानी है, कोई सेफ्टी की वजह से। और समझ लीजिए, अगर ये खंबा नहीं होता ना, ये लाइट का खंबा नहीं होता ना, कसम खुदा की बता रहा हूँ, डर घर ऐसा ही जाता, सबकी लाशें नजर आती है, सारे लोग मर जाते ये खंबे। हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मौला जी का करम है, कोई जान नहीं गई। वायर की लाइन चालू है, ये बताओ अभी किसका भी कुछ भी हो जाए यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ। अगर इसके बाद कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होएगा बताइए, यहाँ के रोड वाले हाँ वोट लेने के लिए बरोबर आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, बोलेंगे कि हमें वोट दो, हमारे इधर आओ, रिक्शाएं भेजेंगे, ये सब भेजेंगे। आज हमारे इधर हादसा हुआ है तो कोई आगे झाड़ नहीं रहा है, यहाँ का नेता ना, यहाँ का प्रशासन ना, यहाँ का कोई भी आगे यहाँ पे झाका नहीं, नगर सेवक भी आगे झाका नहीं। आज हादसा ना, हमारे मासूम बच्चों को अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हम लोग की होगी। ब्रेकर होता तो ये हादसा होता नहीं इधर, ये कब से हम लोग बोले ब्रेकर बनाओ, यहाँ पे पूरी फैमिली रह रहती है, यहाँ पे पूरा मोहल्ला है, यहाँ पे कितने लोग हैं यहाँ पर, लेकिन कोई ब्रेकर बनाए के लिए तैयार नहीं है। इधर ये कितना हुआ मगर कोई इधर ताई कोई झाका नहीं कि इधर वाले आदमी मर रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं। लाइट है जो शो के लिए लगा के रखी है, कुछ नहीं, खाली शो के लिए लाइट लगाए, खाली 2-3 महीना चली जब से लाइट बंद, 2-3 महीना जब से लाइट बंद है, लाइट कुछ भी नहीं, कोई देखने जान चाहिए किसको भी, कोई कब से यही चीज है, इंसान जी रहे ना, बस जी रहे, बाकी यहाँ पे किसी को कोई परवाह नहीं है, इंसान की जान की कोई परवाह नहीं है यहाँ पर, खाली वोट लेने सब आ जाएगा, वोट दो ये दो वो दो, कार्यकर्ता हो कोई आगे कोई चीज के बारे में तहकीकात नहीं करते, बस है ना, सिर्फ आएंगे थोड़ा सा वोट के लिए बात करेंगे, उसके बाद गाड़ी भी कैसे चलाते हैं आपके सामने की बात, अगर ब्रेकर होता गाड़ी वहाँ पे आराम से लेके आराम से लेके आता ना, ब्रेकर होता तो आज यहाँ से होता नहीं इधर, यहाँ पे पूरी चौल है इधर, और एक बार नहीं 3 बार हुआ, 3 बार में एक भी बार कोई आया नहीं है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बात अगर कोई ज्यादा हुआ है जिम्मेदार हम लोग इन लोगों को ही मानेंगे, ज्यादा हो गया है, जिम्मेदार वोटिंग के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।